खबरें जैसी भी हो आप तक पहुंचाने का वादा। हम दिखाते हैं सिर्फ वही खबर जिस खबर से जुड़े हो जनता के मुद्दे। धूप से छांव तक और शहर से लेके गांव तक हम दिखाएंगे हर एक खबर सीआईबी इंडिया न्यूज पर। नमस्कार आदाब, मैं हूं वसीम अकरम। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। फतेहपुर की बिंदकी कोतवाली के खजुआ कस्बे के प्राचीन पंचवटी शिव मंदिर में मौजूद शिवलिंग को कुछ अराजक तत्वों ने उखाड़कर अलग कर दिया। साफ सफाई के दौरान जब ग्रामीणों ने मंदिर में जाकर देखा तो शिवलिंग अपनी जगह से अलग था, जिसके बाद ये खबर आग की तरह इलाके में फैल गई और लोगों का जमावड़ा लग गया। लोगों के मन में ये सवाल था कि आखिर प्राचीन शिव मंदिर के शिवलिंग को किसने और क्यों उखाड़ दिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस को मामले की सूचना दी और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वहीं पुलिस की माने तो उसका कहना है कि इसमें किसी शरारती तत्वों का हाथ हो सकता है। जब आया यहाँ पे ठेके पे आया तो बगल में ठेका ही है क्या? मैं दुकान पे आया, ठेका यहाँ पे आए तो हमको बच्चों ने बताया, लाला ने बताया और ये सब बच्चों ने मुझसे यादों ने लखड़ के बताया कि भैया मूर्ति हमारी खुद गई है। तो हम इसको देखा आकर के तब आपको मीडियम ने टेस्ट किया। अच्छा, कौन सा ठेका है यहाँ पे? इंग्लिश देसी दोनों है। अच्छा अच्छा, हम लोग आ रहे थे यहाँ सफाई करने के लिए। यहाँ पे इतनी गंदगी थी क्योंकि शिवरात्रि आ रही, कोई पूजा करने वाले के लिए हम लोग व्यवस्था करने आ रहे थे कि यहाँ पूजा होगी शिवरात्रि में। इसके बाद हम लोगों ने आके देखा तो सर ये मूर्ति उखड़ी पड़ी थी। फिर हम लोगों ने गांव में चर्चा की। हम लखना खेड़े में रहते हैं सर। मामला सामने आया है अराजक तत्वों के द्वारा। ये सूचना मिली है कि शिवलिंग उखड़े हुए हैं। अब कैसे हुआ, क्या कारण है, किसके द्वारा किया गया या प्राकृतिक रूप से कुछ हो गया है, इसके बारे में पुलिस मौके पर जा रही है। जैसा उचित हुआ वो कार्रवाई कर दी।